फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये हैं मेथी के दाने। इन दानों की मदद से हम पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। पूरी गर्मियों पौधे बहुत अच्छी मात्रा में फूल और फल देंगे। पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। यदि पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वह पीली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन। इसके साथ ही कई विटामिन्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। यदि आप महीने में एक बार भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो पौधा आपका बहुत ही हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मेथी के दाने का हम अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और पौधे को तेज़ गर्मी में भी मरने से बचा सकते हैं। यदि आपका पौधा रूखा बेजान नज़र आ रहा है, पौधे की ग्रोथ बहुत कम हो रही है या एकदम ग्रोथ होकर रुक चुकी है, फूल एक बार आकर आना बंद हो गए हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। इससे पत्तियों पर भी चमक आती है और प्लांट बहुत ही घना बनता है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, फूलों वाले पौधों पर, फलों वाले पौधों पर और सब्जियों वाले पौधे पर। इस मेथी दाने को हम कई तरह से फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसको पाउडर बनाकर भी हम प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं, लेकिन अभी गर्मियों के दिन हैं इसलिए जिस तरह से मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, आप उसी तरह से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। गर्मियों के समय में ये पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत तेज़ी से असर करके पौधे को बहुत जल्दी फ़ायदा पहुँचाता है। इसको यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, तेज़ गर्मियों में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। सुबह के समय या शाम के समय ही आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इसके एक बार के उपयोग से ही आप देखेंगे पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो गई है और पौधे ने कलियां बनाना शुरू कर दिया है। गर्मियों में हमें पौधों में केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से बचना चाहिए। आप कोशिश कीजिए आप होममेड घरेलू फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। ये जैविक फर्टिलाइज़र पौधे को किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप अपनी प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। स्प्रे करने के लिए भी आप इस बात का ध्यान रखें, तेज़ धूप में पत्तियों पर स्प्रे ना करें। ठंडक के समय में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच मेथी दाना। आपके प्लांट्स की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं, उस हिसाब से आप क्वांटिटी अपनी रखिए। तो इस 1 चम्मच मेथी दाने को मैंने एक जार में ले लिया है और इसे मैं 1 गिलास सादा पानी डालकर रात भर या फिर 1 दिन के लिए आप इसे छोड़ दें। उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो 1 दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये देखिए, इसमें मेथी दाना पूरी तरह से गल गया है। ये देखिए, इस तरह से मेथी दाना गल जाना चाहिए। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसे हमें अभी यूज़ नहीं करना है। इसको पहले हमें डाइल्यूट करना होगा। डायरेक्ट प्लांट पर इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो इसे डाइल्यूट करने से पहले मैं छानूंगी। इस 1 गिलास मेथी के पानी को आपको छान लेना है। कुछ इस तरह से ये मेथी दाना गल जाना चाहिए, जिससे कि सारे पोषक तत्व तो मेथी के दाने में जो है वो इस पानी में आ जाए। तो ये 1 गिलास पानी और इसमें मैं 7 से 8 भाग सादा पानी का मिलाऊंगी। फ्रेंड्स, जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स में यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पर गर्मियों में, तो इसे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके ही यूज़ करें। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसे आप अपने पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में एक बार इसका ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।